हेलो गाइस, वेलकम टू कन्वर्ट एजुकेशन। बंगाल आधुनिक कलाकारों में आज के वेंकटप्पा, इसके पहले हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा पढ़े थे। आज बंगाल शैली में वेंकटप्पा गाइज, अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है एग्जाम के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं के वेंकटप्पा हैं, ये मैसूर में जन्म लिए थे। इनका नाम है के वेंकटप्पा, और के का मतलब होता है कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा। इनका पूरा नाम है कुप्पाली वेंकटप्पा, ठीक। कैसे इनके थोड़ा जीवन के बारे में देखते हैं। इनका जन्म अगर पूछे तो 28 जून 1886 में, ठीक। और कहाँ हुआ था तो मैसूर में हुआ था, ठीक। अगर इनके पिता मैसूर राज दरबार में दरबारी चित्रकार थे इनके पिता, और वहाँ के राजा कौन थे, राजा थे कृष्ण राजा बडिमार थे। बडिमार चार वे महल पढ़ाते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो 1902 से लेकर 1908 तक मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय में कला की शिक्षा ग्रहण की थी। 1909 से लेकर 1916 तक मैसूर के महाराजा के कहने पर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से उच्च शिक्षा ग्रहण किए थे। और इनके साथी जो थे नंदलाल बोस थे, इनके सहपाठी जो साथी थे नंदलाल बोस थे। इन्होंने 1910 ईस्वी में लेडी हरिंगम के साथ अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी, 1910 में लेडी हरिंगम के साथ, ठीक। और इनका चित्र क्या है, 1913 में इनका चित्रण क्या क्या है, वेंकटप्पा पारसी ब्राउन और गंगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, ठीक। फिर यात्रा के दौरान अनेक माध्यम में कार्य किए थे, जैसे वास में भी रंग चित्र बनाए थे, जल में बनाए थे, टेम्परम बनाए थे, तैल रंग भी बनाए थे। और जो वास है वो अवनींद्रनाथ के सन्निधि में रहकर इन्होंने वास पद्धति सीखी थी। और इनको पुरस्कार क्या था, तो इन्होंने 1962 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रत्न सदस्य चुनकर सम्मानित किए गए थे। 1962 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रत्न सदस्य चुने गए थे। 1912 ईस्वी में कलकत्ता में इनकी भेंट ने मैसूर के प्रसिद्ध बीड़ा वादक बीड़ा ससन्ना के शिष्य थे, बीड़ा ससन्ना के शिष्य रंगम रामा स्वामी अयंगर से हुई थी, कलकत्ता में इनकी भेंट। ये बीड़ा वादक थे, ठीक। इनका निधन 26 मई 1965 को हो गया था। और इस सबसे अंतिम में मृत्यु से पहले इन्होंने 1957 में सूर्यास्त अंतिम कला इनकी थी। और इन्हें जानते हैं बंगाल का मंसूर कहा जाता है,
और मंसूर कहाँ क्यों जाता है? इनके प्राकृतिक चित्र और पक्षी चित्र मंसूर नामक मुगल चित्रकार से मिलते जुलते थे। इनका प्राकृतिक चित्र जो है और पक्षी चित्र मंसूर नामक मुगल चित्रकार जो था उनसे मिलते जुलते थे, तो इन्हें कला समीक्षकों ने बंगाल का मंसूर कहा था। ठीक। और इनकी मृत्यु पूछो तो 26 मई 1965 में मैसूर में हो गई थी। चलिए इनके बारे में देखते हैं एग्जाम के दृष्टि की पॉइंट। ये तो मान लीजिए मोटी मोटी बात हो गई थी। और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए इनका ये एक चित्र है, ध्यान से देखेंगे तभी दिखाई गए राम और सीता। देखिए चलिए इनके बारे में देखते हैं के वेंकटप्पा। इनका आप लोग पूरा नाम जान ही गए हैं। इनका पूरा नाम है कुप्पाली वेंकटप्पा। ये चित्रकार मूर्तकार और बीड़ा वादक तीनों थे, लेकिन मुख्य रूप से ये चित्रकार ही थे। ठीक। चलिए पहला देखते हैं। के वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1887 मैसूर में। 1887 मैसूर में। और अगर पूछे तो 28 जून 1886 मैसूर में पैदा हुए थे। ठीक। 1887 में। ठीक। 28 जून को। के वेंकटप्पा का चित्रण शैली कैसी थी? तो यथार्थवादी बताएंगे। क्या यथार्थवादी बताएंगे? अगर बंगाल शैली का ऐसा चित्रकार जो बीड़ा वादक भी था तो के वेंकटप्पा आपको पहले बता दिए थे। ये रंग रामास्वामी अयंगर से बंगाल में मिले थे, वहीं से इन्होंने सीखा था। के वेंकटप्पा को कला के किस क्षेत्र में विशेष ख्वाहिश प्राप्त थी? तो भित्ति चित्रकारी में। क्या? भित्ति चित्रकारी में। के वेंकटप्पा के चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या है? तो जल रंग है। क्या है अगर माध्यम पूछे तो चित्रण का, तो जल रंग है। अगला पॉइंट है के वेंकटप्पा का सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र कौन सा है? शकुंतला का प्रस्थान है। डिपार्चर ऑफ शकुंतला, शकुंतला का प्रस्थान अगर पूछे तो भित्ति चित्र सबसे प्रसिद्ध क्या है वेंकटप्पा का? शकुंतला का प्रस्थान बताएंगे। अगला पॉइंट है के वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कब और कहाँ हुई थी? तो मैसूर कला महाविद्यालय 1902 से 1908 तक। ठीक। 1902 से लेकर 1908 तक। उसके बाद वहाँ के राजा जो मैसूर थे इन्होंने 1909 से 1916 के कहने पर इन्होंने कलकत्ता चले गए थे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में शिक्षा ग्रहण की थी। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी 1974 में कहाँ स्थित है? अगर पूछिए तो 1974 में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी मैसूर कर्नाटक में। कहाँ? मैसूर कर्नाटक में। के वेंकटप्पा किस भारतीय शैली से काफी प्रभावित थे? तो मुगल और राजपूत लघु चित्रण। क्या? मुगल और राजपूत लघु चित्रण। मुगल और राजपूत लघु चित्रण से काफ़ी प्रभावित थे के वेंकटप्पा। अगर के वेंकटप्पा भारतीय शैली के बारे में पूछे तो मुगल और राजपूत। ठीक। अगला पॉइंट है के वेंकटप्पा ने किस कला महाविद्यालय में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता 1909 से 1916। और ये कलकत्ता मैसूर के राजा के कहने पर गए थे। ठीक। अगला पॉइंट है किस भारतीय कलाकार ने ऊटी व कोडाइक नाल के दृश्य चित्र बनाए हैं? ऊट और कोडाइक नाल, ऊट और कोडाइक नाल का दृश्य बनाया के वेंकटप्पा ने। अगला पॉइंट है के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे? तो विजयनगर के। कहाँ के? विजयनगर। ठीक।
महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया है? यंग पत्रिका में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर पूछे महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका कौन सी थी जिसमें वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया है, यंग पत्रिका थी। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है, के वेंकटप्पा ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से किसके सन्निधि में कला की शिक्षा ग्रहण की थी? इनके गुरु थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। कल के लेक्चर में हम बताए भी थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक, मतलब के वेंकटप्पा के गुरु थे। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में के वेंकटप्पा के सहपाठी कलाकार कौन थे? नंदलाल बसु थे। कौन थे? नंदलाल बसु। अगर इनके साथी पूछे तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज के वेंकटप्पा के साथी कौन थे, तो नंदलाल बोस थे। ठीक, अगला पॉइंट है, के वेंकटप्पा ने अपना आखिरी लैंडस्केप मतलब दृश्य चित्र कौन सा चित्रित किया था? तो सूर्यास्त। कौन सा? सूर्यास्त। ये बनाए थे जल रंग में, बनाए थे, इनका माध्यम था और सन थी 1962 सन में। ठीक, अगला पॉइंट है, के वेंकटप्पा ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां कब और किस तकनीक में बनाई थी? 1909 और 10। ठीक, वैसे तो 1910 है, मान लीजिए 1909 और 10 फ्रेस्को तकनीक में। किसको? फ्रेस्को तकनीक में बनाए थे। ठीक, और इन्होंने लेडी हरिंगम के साथ जाकर अजंता की प्रतिलिपि बनाई थी, तकनीक थी फ्रेस्को तकनीक। अगला पॉइंट है, के वेंकटप्पा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब निर्वाचित किए गए? तो 1962 में। कब? 1962 में। ठीक, 1962 में, मतलब वही वहां के रत्न सदस्य चुनकर बनाए गए थे। अगला पॉइंट है, बंगाल शैली का मंसूर किसे किस भारतीय कलाकार को कहा जाता है? के वेंकटप्पा को। किसको? के वेंकटप्पा को। ठीक, और कहा क्यों जाता है? तो आपको पहले बताए थे कि इनके प्राकृतिक चित्र और पक्षी चित्र मंसूर मतलब मुगल का जो मंसूर नामक चित्रकार था उससे मिलते जुलते थे, तो कला समीक्षकों ने इनको बंगाल का मंसूर कह दिया था, तभी से इनका नाम बंगाल का मंसूर कहा जाने लगा। ठीक, अगला पॉइंट है, के वेंकटप्पा ने नंदलाल बोस के साथ मिलकर अजंता गुफा की प्रतिलिपियां किसके अध्यक्षता में रहकर बनाए थे? लेडी हरिंगम के। किसके अध्यक्षता में अगर पूछे तो अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की थी लेडी हरिंगम। ठीक, किस महापुरुष, अगला पॉइंट है, किस महापुरुष ने मैसूर भ्रमण के दौरान के वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर उनका उल्लेख अपनी पत्रिका में किया था? ठीक, ये इम्पोर्टेंट, कौन सा महापुरुष था जो मैसूर भ्रमण टहलने के दौरान के वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर अपने पत्रिका में उल्लेख किया था? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, और इनका अंतिम चित्र था, इनका अंतिम चित्र था सूर्यास्त। चलिए इनके प्रमुख चित्र देखते हैं कौन कौन से हैं। शकुंतला का प्रस्थान यह भित्ति चित्र में बनाया गया था। शकुंतला का प्रस्थान भित्ति चित्र बनाया गया था। लॉर्ड शिवा यह भी भित्ति चित्र में ही बनाए थे। चैतन्य का जन्म, अगला चैतन्य का जन्म। जलती हुई लंका, ठीक, जलती हुई लंका ये कैनवास बनाए थे 1914 में। बीड़ा की मतवाली, क्या बीड़ा की मतवाली,
अगला है रावण का जटाओं के साथ युद्ध, रावण का जटाओं के साथ युद्ध। ठीक, अगला पॉइंट है सीता को स्वर्ण मुद्रिका भेजते हुए राम, सीता को स्वर्ण मुद्रिका भेजते हुए राम। अगला पॉइंट है राम और सीता, एक बनाए थे राम और सीता, फिर एक इनका चित्र है स्वर्ण मृग, मृग तिसड़ा, संगीत मंडली, संगीत मंडली, भिक्षुक के रूप में बुद्ध। अगला है बुद्ध और शिष्य, राम और स्वर्ण मृग और शिवरात्रि, सूर्यास्त इनका अंतिम था, ये जो जल रंग बनाए थे 1962 बनाए थे, और सीता कल्याण यह कागज़ पे बनाए थे जल रंग में 1912 में। सबसे लास्ट था सूर्यास्त इनका जल रंग बनाए थे 1962 बनाए थे। अगर कहिए तो एक बार फिर देख लेते हैं इनके चित्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शकुंतला का प्रस्थान, लॉर्ड शिवा, चैतन्य का जन्म, जलती हुई लंका, बीड़ा की मतवाली, बीड़ा के प्रति सम्मोहित, रावण का जटाव के साथ युद्ध, सीता को स्वर्ण मुद्रिका भेजते हुए राम, राम और सीता। अगला इनका है स्वर्ण मृग, और अगला है मृग तिसड़ा, और संगीत मंडली, भिक्षु के रूप में बुद्ध, बुद्ध और शिष्य, राम और स्वर्ण मृग, और एक शिवरात्रि, सूर्यास्त, सीता और कल्याण। ठीक दोस्तों, आज यहीं तक। अगर हमारा सेशन आप लोग को अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। और कल हम लोग लेके आएंगे शारदा चरण वकील को, उसके बाद आशीष कुमार हल्दर को। आप लोग हमारी क्लास जरूर देखिए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है एग्ज़ाम के दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही, ठीक है, लेकिन आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बेहतर जितने भी कलाकार पढ़ाए जा रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग पढ़िए, ठीक, जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछिए बेहतर। ठीक, चलिए तब यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।